हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिज फूड टॉनिक। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की एक नई डिश। इसे आप बहुत आसानी से ब्रेकफास्ट में झटपट बना सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में 1.5 कप सूजी का लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 कप दही का डालेंगे और 1/2 कप पानी का डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम 4 से 5 बॉइल्ड आलू लेंगे और इसे अच्छे से बीच से काट लेंगे। कुछ इस तरह से आपको इसे काट लेना है। फिर हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरे का डालेंगे, 1/2 चम्मच ये देखिए, अब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें 1 प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से पका लेना है। अब हम इसमें अपने मैश पोटैटोस डाल देंगे। अब हम इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाले का डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारी स्टफिंग तैयार है। ये देखिए, हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा बैटर अभी बहुत गाढ़ा हो चुका है। इसे पतला करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने लगभग 1/2 कप पानी का डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, हमारा बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब हम अपने बैटर में थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपको अपने स्वाद अनुसार डालना है और 1 पिंच बेकिंग सोडा का डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर कितना फ्लफी हो गया है। अब हमारा बैटर तैयार है, तो चलिए अब हम अपनी डिश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉनस्टिक तवा लेंगे और उसके सेंटर में 1 करछी बैटर की डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। तवा हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, इसे आप यूँ अच्छे से फैला लीजिए। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब ये पकने लग पड़ा है और इसके ऊपर जाली सी बनना शुरू हो गई है। अब हम इसके साइड्स में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसे दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। ये देखिए, अभी एक साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे। अब ये दूसरी साइड अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे चेंज कर लेंगे। ये देखिए, इसे आपको कुछ इस तरह का पकाना है। अब हम आलू लेंगे और उसकी टिक्की बना के इसके सेंटर में रख देंगे। अब हम टिक्की के ऊपर बैटर को डाल देंगे। बैटर को आपको बहुत थिक नहीं डालना है, इसे आपको पतला ही डालना है। अब हम टिक्की को अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर हमें इसे ध्यान से टर्न कर लेना है, कुछ इस तरह से।
अब हम इसे दबा लेंगे और इसे हमें मीडियम आंच में पका लेना है। अब हम इसकी साइड में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे ताकि ये तवे में स्टिक ना हो जाए। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्टफ सूजी चीला बनके तैयार है। अब इसी तरह से हम दूसरा चीला बना लेंगे। अब हम सेंटर में फिर से अपना बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। तवे को आपको ठंडा रखना है, तभी आपका बैटर अच्छे से फैलेगा। ये देखिए जब ये नीचे से पकने लगेगा तब इसके ऊपर जाली बनने लगेगी, तब आप इसके साइड में रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए। जब ये कॉर्नर्स छोड़ने लगेगा तब आपको कुछ इस तरह से इसे टर्न कर लेना है और इसे दूसरी साइड भी पका लेना है। ये देखिए अब ये इस साइड से भी अच्छे से पक चुका है। अब हम फिर से आलू की टिक्की रखेंगे। आलू की टिक्की को आपको सेंटर में रखना है और इसे अच्छे से दबा लेना है कुछ इस तरह से। अब हम इसके ऊपर बैटर को डाल देंगे। बैटर को आपको इतना ही डालना है जिससे आपकी टिक्की अच्छे से कवर हो जाए। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। इसे आपको अच्छे से पका लेना है। अब हम इसके साइड्स में रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। अब आप इसे टर्न कर लीजिए और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये बना है। इसे आप एक बार अच्छे से सेक लीजिए। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। अब हम एक चीला लेंगे और उसको यूं सेंटर से काट लेंगे। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी स्टफिंग आई है और ये कितना फ्लफी बना है। आपका चीले का टेक्सचर ब्रेड की तरह होना चाहिए। इसे आप इस तरह से काट के सर्व कर दीजिए। अगर आपको मेरी सूजी की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।